इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन की नाहिली की वजह से आज गुलबर्गा शहर में एक बेहद अफसोसनाक वाकया पेश आया है। गुलबर्गा वार्ड नंबर 15 सहारा स्कूल के करीब मजहरुल उलूम कॉलोनी में ओपन ड्रेनेज में गिरने से 2.5 साल मासूम बच्चे की मौत हुई है। अब्दुल रहमान नामी 2.5 साल मासूम लड़का घर के करीब ड्रेनेज में जा गिरा और इसकी मौत हो गई है। इस मासूम की मौत के बाद पूरा मोहल्ला MLA कनीस फातिमा और एरिया कॉरपोरेटर से नाराजगी जाहिर कर रहा है। मोहल्ले वालों का कहना है कई बार कॉरपोरेटर से इस ड्रेनेज का काम कराने की गुजारिश की गई पर इस काम को नज़रअंदाज किया गया और इस मासूम की मौत हुई है। अब्दुल रहमान नामी यह मासूम एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। माँ घरों में बर्तन मांजती है और बाप लेबर काम करता है। 2.5 साल मासूम की मौत के बाद माँ बाप की जिंदगी जैसे उजड़ गई है। इलेक्शन के दौरान घर घर घूम कर डेवलपमेंट के वादे करने वाले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आज इस मासूम की मौत के जिम्मेदार हैं। मोहल्ले वालों ने कहा अगर वक्त पर ड्रेनेज का काम किया जाता तो आज अब्दुल रहमान की मौत ना होती। मोहल्ले वालों ने MLA कनीस फातिमा और एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रेनेज का वर्क कराने और अब्दुल रहमान के घर वालों को कंपनसेशन देने की मांग की है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय श्री बसवेश्वर मेडिकल एंड जनरल स्टोर प्रोवाइडिंग द हाईएस्ट क्वालिटी एंड 100% जेन्युइन मेडिसिंस 24/7 आवर्स मेडिकल इज ओपन एंड फ्री होम डिलीवरी आल्सो अवेलेबल मेडिसिंस एट योर डोरस्टेप अपोजिट बसवेश्वर हॉस्पिटल सेधम रोड कलबुर्गी। ये इतनी बेकार कंडीशन है कि बारिश में तो इतना प्रॉब्लम होता, नालियां नहीं, ये नहीं, अभी अधूरा काम करके गए, आज नहीं गए, एक छोटे बच्चे की जान चली गई, इसका जिम्मेदार कौन है? अब वो छोटे बच्चे की जान चलेगी, हम चाहते हैं कि नहीं कि वो बच्चों के घर वालों को नहीं क्या कुछ ना कुछ नहीं क्या कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट तरफ से। ये हमारी मांग है, हमारे सब मोहल्ले के लोगों की मांग है हमारी। आज ये होगा कल, अब हमारे किसी आप कॉर्पोरेटर के घर का अगर बच्चा होता है तो उन्होंने भी एक्शन लेते थे ना, उनके गले कॉर्पोरेटर उनके गले में जाके देखिए, उनके रोड नाले सब सब सही रहता है, लाइट वगैरह दूसरों के इसमें तकलीफ, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आते हैं वोट मांगने के लिए, दूसरा कुछ नहीं। आज का तो हादसा हो गया, बहुत दुख भरी कहानी है। इसके पीछे क्योंकि गरीब खानदान का बच्चा है, बच्चे की माँ है नहीं, चार घरों के बर्तन कपड़े वगैरह करके आती है, बाप गौंडियों के हाथ में काम करता है। हमारे निगरानी में किस दिन पहले हमने बच्चों को संभाले थे, आज हम गलती से हम नहीं थे, ये वजह से बच्चे की जान चली गई। इसके लिए हम पहले पहले इत्तला दिए थे कि कारपेंटर को हो या गुत्तेदार को हो जो ये रोड का काम करे, पहले UCG का काम करो, UCG यानी कि सेंटर गटर है ना, UGD हाँ, उसके बारे में बोले तो उन्होंने क्या बोले, नहीं हमको इतना ही ऑर्डर है, गटर के बारे में तो नहीं है बोल के बोले, मतलब नालियों की। आज जो बच्चे की जान गई उसके लिए सरकार की तरफ से हो या तो MLA मैडम की तरफ से हो, कुछ ना कुछ वो फंड में इमदाद होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ये मांग है। इस मोहल्ले के पूरे भी जो है बहुत ज्यादा लोग जमा है क्योंकि वो गरीबी हालत में है, मालूम नहीं, क्योंकि बहुत खस्ता हालत है वो बच्चे की माँ की और बाप की। बच्चे है सो 2 साल का बच्चा है सो गिराने में है सो गिर को खत्म हो गया, अब है सो ये गली में है सो हर घर में 4-4, 6-6 बच्चे हैं, छोटे बच्चों को कुछ हुआ तो एक बच्चा गया, अब दूसरे बच्चे क्या जतन कब तक करेंगे, नालियां बनाए बोले तो हमारे को ऐसे सहूलत रहती है सो नहीं रोड की जरूरी है, ये नहीं हमारे को नालियां की जरूरत है बोल को मैं बोलूँ, यहाँ का पानी है सो मोहरा का पानी कहाँ जाएंगे, बहुत सारा है सो पहले ये करो बोल को है सो शुरू में पहले डालने से पहले बोलूँ मैं। आज 2 साल का बच्चे का डेथ हो गया ड्रेनेज का पानी रुकने से, आज ये बच्चे के साथ हुआ, कल हमारे भी बच्चे रहते हैं, स्कूल से आना जाना, दुकानों को आना जाना, ये होता कल के दिन गिरा तो कौन किसको पकड़ना, कॉर्पोरेटर को पूछे तो ये रोड मेरे वार्ड में नहीं आती बोल रहा, क्या MLA को पूछना है, किसको पूछना, जवाब होना, वो बच्चे का गरीब है उसका जवाबदार है कौन, उसका कंपेंसेशन कुछ तो भी होना ना, खाली आ रहे हैं वोट के टाइम पे आ रहे हैं, वोट मेरे को डालना तेरे को डालना इतना छोरा, उसके बाद जीतने के बाद खत्म, कांग्रेस रंदे BJP रंदे खाली बोल रहे हैं जा रहे हैं, ये रोड बनाने से पहले बोले हम नालियां का पहले काम करो, 4 दिन में होता भाई, 7 में होता। अब रिसेंटली मैं मिला कारपेंटर से, पूछा 3 महीने का टाइम दो मेरे को, मैं करके देता हूँ, 3 महीने में अगर और एक हादसा हुआ तो कौन ले रहे हैं जिम्मेदारी इसकी, कारपेंटर ले रहे हैं MLA ले रहा, हमारे को जवाब होना। 2 साल का बच्चा था, 2 से 2.5 साल का बच्चा, अब हो गई सुबह 11:30-11:30 के टाइम पे हो गया, ईशा में तत्कीन कर रहे हैं उसकी संतरा सड़ी पे, इसको अपना सनराइज हॉस्पिटल में रखे, कारपेंटर साहब आके ताजियत के लिए आए, उसके बाद स्पॉट पे कौन आके देखे, अभी ऐसा हुआ मैं आके करता हूँ, जल्द से जल्द एक्शन लेना, खाली आके मिल के गए तो होते हैं क्या काम, नालियां बनाना साथ में उस बच्चे के घर वालों को कुछ ना कुछ दिया जाए। आज का हादसा जो मालगति किराज वो क्या बोलते नियर मजहरुल उलूम कॉलोनी में रोड का है मसला, रोड पे क्या करे, खुदाई करे,
8 दिन में रोड बनाती मुलकर बोल दिए, कंकर डाल दिए, डांबर नहीं डाल दिए उस पर, कंकर बच्चों को चुप कर जा रहे, ये हो गया आज का जो बड़ा हादसा हो गया इस रोड पे से। आप जरा उधर देखिए, वो है डेनिस का पानी, ज़्यादा नहीं है। हम यहाँ के कारपोरेटर को बोले कि पहले रोड ज़रूरी नहीं, नाली ज़रूरी है। नाली इसलिए ज़रूरी है, एक के घर के सामने पानी गया, उन कंप्लेंट कर रहा कि मेरे घर के सामने पानी नहीं आना, दूसरे वाला बोलता मेरे घर के सामने नहीं आना, तो आखिर ये पानी जाएगा तो भी कहाँ जाएगा, क्या ज़मीन ले लेंगी कि यहाँ का कारपोरेटर ले लेंगे, ये बोलिए आप। हाँ, इलेक्शन के टाइम पे वोट डालने के लिए दिन रात मेहनत कर को हम इलेक्शन डाले, वोट डाले, सब कुछ करे, और ये रोड डालते जब भी बोले हमें ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये नक्को डालो। हाँ, रोड नहीं बोले हमें पहले नाली बनाओ, तो क्या बोले एक 3 महीने जान दे रोड 8 दिन में कंप्लीट, 3 महीनों में आपको पूरे सीसी नाले आएंगे, बोले सीसी नाले हूँ बोलकर क्या करे, थोड़ा पानी जाने के लिए हमारे को चुप बिठाने के लिए वो इतनी नाली बना दिए, उसका वो नाली का पानी भी कहाँ जा रहा है। मेरी एक लास्ट में बहन है, उसके घर पे जा रहा, पहले तो ये छोड़ो आज रोड बनेंगे तुम्हें कल बनेंगे, लेकिन आज का जो हादसा हुआ इसके जिम्मेदार कौन है, वो माँ का बच्चा कौन लौटा कर दे रहे, ये बोलिए आप मेरे को, क्या टायर बादशाह ला कर दे रहे या कौन ला रहे, कनिष्मा ला कर दे रहे, कौन ला कर दे रहे, इसका हल होना। वो माँ की गोद उजड़ गई, वो माँ रोते पलाते बैठ गई वहाँ पे इस जरे से नाली के पानी की वजह से। अब इसका हम लोगों को पूरे अवाम को इसका जवाब होना ही होना, नहीं तो हम इससे आगे भी स्ट्राइक करने के लिए तैयार है। आपसे अबदन गुजारिश है, कनिष्क फातिमा मैडम से, ताहिर भाई से, दोनों से गुजारिश है, आज पड़ोस में है, कल मेरे भी 3 बच्चे हैं छोटे छोटे वो नाले में जाकर गिर गए, हर घर में 4-6 बच्चे हैं, वो बच्चे कहाँ खेलेंगे, खेलने का नहीं, रोड पे आए तो पानी है। आप देखो, देखकर इसका हल निकालिए और हमारे को ये पानी का क्या है सलूशन बताइए। हमारे घर के कोने पे नाली का पानी पूरा छोड़ दिए, बच्चे छोटे छोटे हैं, डेंगू हो रहा, बुखार आ रही, मलेरिया हो रहा, कौन जिम्मेदारी होती है, तुम बड़े बड़े बिल्डिंगा में तुम बैठते हैं, हमारे गरीब बच्चों के पर कौन है, आज यह हादसा हुआ, आज हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कब क्या होता किसको पता है। 2 या 1 दिन के अंदर अगर ये नाली का डेनिस का पानी नहीं बंद हुआ, मालगत्ती पे हम ये पूरी गली वाले पूरे मोहल्ले वाले स्ट्राइक करेंगे, बिल्कुल करेंगे करेंगे करेंगे। जब ताहिर भाई आएंगे, कनिष्क फातिमा आएंगे, तब भी हम वो रोड पे से उठेंगे नहीं, पूरा ये हुए तक हम उठेंगे, हम वहाँ बैठेंगे तो नाली बने जाएंगी, जब तक हम बिस्तर डालकर रहेंगे वहाँ पे। This video presented by Shri Basveshwar Medical and General Store, providing the highest quality and 100% genuine medicines, 24/7 hours medical is open and free home delivery also available, medicines at your doorstep, opposite Basveshwar Hospital, Sedham Road, Kalburgi.